हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू आदर्श अकेडमी। माई सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में हम टेस्ट कराने जा रहे हैं जो आपके रेलवे एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स और जो भी यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोग एक टेस्ट ले चुके हैं और उसमें बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो और स्टूडेंट ने और टेस्ट की मांग की थी, इसीलिए हमने सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए हमने सेकेंड टेस्ट करा रही हूँ। उसके बाद फिर थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिर आगे होता ही रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आप को जज कीजिए। ठीक है, कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बाय टेस्ट आप जज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेशन हो वो आपको तुरंत मिल पाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टेस्ट। ओके, टेस्ट नंबर टू है ये आपका, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स बैबेज। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी पास्कल। नेक्स्ट वन, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर है ए जेपी एकट। नेक्स्ट वन, IBM PC का आविष्कार किसने किया है? फ्रेंड्स इसका आंसर है विलियम सी लाइथ। ठीक है, तो IBM PC का आविष्कार जो किया है वो विलियम सी लाइथ ने किया है। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित कहां पर रखता है? राइट आंसर डी मेमोरी में। CPU का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड्स ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। CPU का पूरा नाम जो है वो आपका राइट आंसर है बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट वन, रैम का विस्तृत रूप क्या है, मतलब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चंस में है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो है डी रैंडम एसेस मेमोरी। नेक्स्ट वन, कीबोर्ड में बटनों की कुल संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में बटनों की जो संख्या है उसका राइट आंसर है बी 101। ठीक है, रोम का विस्तृत रूप क्या है? हमने रैम देखा, अब हम रोम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स रोम का जो विस्तृत रूप है उसका जो आंसर होगा वो होगा सी रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बी कुंजी का पटल। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो इसका राइट आंसर है ए CPU को। नेक्स्ट वन, मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट वन, फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है बी 12। फंक्शन की जो संख्या होती है वो 12 होती है, 12 होती है। ठीक है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? डी सिद्धार्थ। ठीक है, तो भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया वो सिद्धार्थ नाम का था। ठीक है, नेक्स्ट वन, फाइल एक्सटेंशन में कितना कैरेक्टर्स होता है? ए 3। 3 कैरेक्टर्स होते हैं फाइल एक्सटेंशन में। ठीक है, बाइनरी नंबर कौन है? फ्रेंड्स बाइनरी नंबर की बात करें तो वो 0 और 1 जो है वो बाइनरी नंबर है।
जो कंप्यूटर जो समझता है लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर जो है वो दो है, जीरो और एक। पूछ सकता है कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। 1 KB किसके बराबर होता है, 1 KB इसका राइट आंसर है ए, 1024 bytes, ठीक है। उसी प्रकार आपका GB में भी होता है कि 1 GB में कितना होता है, तो 1024 MB। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो इसका आंसर है यूनिवेक, ठीक है। यूनिवेक प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। वायरस क्या होता है फ्रेंड्स, वायरस क्या होता है, वायरस एक प्रोग्राम है। कंप्यूटर का IC चिप्स किसको कहा जाता है, सिलिकॉन को, डी सिलिकॉन, सिलिकॉन इज द राइट आंसर, ओके। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, इसका राइट आंसर है डी इंटरनेट, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स, इसका आंसर है लॉग आउट। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है, इसका आंसर है परम पदम, ठीक है। जज कीजिए अपने आप को, आंसर कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण क्या है, बी हार्डवेयर, ठीक है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला जो संदेश है उसे हम कहते हैं ईमेल, इसका राइट आंसर है ईमेल, ओके। कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है, कंप्यूटर में जो मिस्टेक्स हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी बग, ओके। ये कंप्यूटर्स के टर्म्स है फ्रेंड्स। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है, हार्ड डिस्क की स्पीड जो है वो कितनी होती है, इसका राइट आंसर है डी 3600 चक्र प्रति मिनट। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, इसका स्टैंड फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म बताना है इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का पूर्ण रूप क्या है, HTML का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म बताना है, तो इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, सी डेस्कटॉप। नेक्स्ट वन, WW का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, WW का अर्थ है, ए आंसर सही है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो है अबेकस, ए इज द राइट आंसर। ALU का विस्तृत रूप क्या है फ्रेंड्स, ALU का जो फुल फॉर्म है वो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, फाइल का नाम अधिकतम कितना कैरेक्टर हो सकता है, राइट आंसर इज सी 8, फाइल का अधिकतम जो हो सकता है वो है 8। नेक्स्ट वन, Y2K समस्या किससे संबंधित है, ए कंप्यूटर से, ठीक है। 1 byte में कितने बिट्स होते हैं फ्रेंड्स, 1 byte में 8 bits होते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है, सी परम 1000। नेक्स्ट वन, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 इज द राइट आंसर, मतलब ए ऑप्शन जो सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है,
फ्रेंड्स भारत की जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है वो बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है, बेंगलुरु, जो कि आपका कर्नाटका की राजधानी है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM का फुल फॉर्म बताना है, स्टैंड फॉर्म बताना है फ्रेंड्स। तो IBM का पूर्ण रूप की बात करें तो इसका ए जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है देखते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM का जो स्टैंड फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और किसी प्रकार की सुझाव भी हो तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर सुझाव दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।